दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है अगर आपका भाई आपका दोस्त आपको लिए इतना कर सकता है तो आप एक लाइक जरूर कर सकते हैं और अगर आपको आप लगता है कि चैनल मेरे लिए बेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पहले बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में तो भी आपका आदर्ग है भारत भारत के राष्ट्रपति कौन है द्रौपदी मुर्मू नमन याद रखिए पंद्रहवाँ नंबर के हैं उसके बाद है उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ चौदहवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंद्रहवा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय डीवाई चंद्रचूड़ कौन है डीवाई चंद्रचूड़ है पचासवें नंबर के उसके बाद है महान्यायवादी अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटमढ़ी वेंकटमढ़ी सोलहवाँ उसके बाद है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता उसके बाद अगला है अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आदर्श कुमार गोयल कौन दोस्तों आदर्श कुमार गोयल उसके बाद संसदीय प्रमुख आइए आपका देखना है कि हमारे जो राज्यसभा है उसके उसका सभापति कौन है जगदीप धनखड़ को आपको पता है ना कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है उपराष्ट्रपति तो वही होंगे उनका तो नाम है जगदीप धनखड़ आगे बढ़ते हैं राज्यसभा का उपसभापति कौन है हरिवंश नारायण सिंह कौन है हरिवंश नारायण सिंह ठीक है याद देखना है कि राज्यसभा का महासचिव कौन है प्रभाष चंद्र मोदी ठीक है आगे बढ़ते हैं आपको वेरी भी इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन से हैं ओम बिरला नंबरिंग चतरावां ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है निर्वाचन आयोग आपको बस यह देखना है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है कौन है अभी राजीव कुमार कौन है राजीव कुमार नंबरिंग पच्चीसवां अगला है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग अभी कौन है इसको बोलेंगे गिरिश चंद्र मुर्मू कौन है गिरिशचंद्र मुर्मू नंबरिंग चौदाहवा और महालेखा नियंत्रक कौन है सीजीए भारती दास कौन है भारती दास नंबरिंग ट्वेंटी सेवन आगे बढ़ते हैं सिर्बस हमारे सर्वोच्च सेनापति कौन है इंडिया का तो है राष्ट्रपति होते हैं द्रौपदी मुर्मू है और वायुसेनाध्यक्ष कौन है बी आर चौधरी नौसेनाध्यक्ष आर आर हरि कुमार और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सी डी एस बोलते हैं कौन है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है कैबिनेट कैबिनेट सचिव कौन है राजू गावा और प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन है तरुण कपूर और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है पी मिश्रा ठीक है और विदेश सचिव कौन है विजय मोहन क्वात्रा कौन है विजय मोहन क्वात्रा दोस्तों इसमें मैं वही बताऊंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है ठीक है जो एग्जाम जो एग्जाम पहुँचाने समाना कम है उसको हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है मतलब अगला है गृह सचिव मतलब अजय कुमार भल्ला है देखिए है कीजिएगा अजय कुमार मैंने भाला लेकर खड़े हैं एकदम मैंने घर की रक्षा करें मतलब अगले गृह सचिव हो गया तो ऐसे आपको याद कर सकते हैं आगे हैं बी सचिव को कौन है टी वी सोमनाथन कौन है टी वी सोमनाथन उस है रक्षा सचिव कौन है ग्रीधर अरमानी कौन है अरबानी आ गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अभी अजीत डोभाल कौन है अजीत डोभाल उसके बाद आता है मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कौन है अनंत नागेश्वरम कौन है अनंत नागेश्वरम उसके बाद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भारत सरकार का अजय कुमार सूद कौन है अजय कुमार सूद आते हैं देखिए हमारे जो ना केंद्रीय सतर्कता आयोग बोलते हैं सी उसके हेड कौन है सुरेश पटेल और सी कौन है प्रवीण सिन्हा और ठीक है ये हैं विदेश निदेशक लेकिन आपको पूछे कि इसके हेड कौन है क्या देख रहे हैं सुबोध कुमार जायसवाल ठीक है सुबह सिंह आई बी कौन है तवन कुमार डेका और रॉ के शुमंत कुमार गोयल और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी एन कौन है दिनकर गुप्ता कौन है दिनकर गुप्ता और ईडी कौन है संजय कुमार मिश्रा आप पढ़ाओ ना ई का बहुत बहुत पड़ता है इसका हिंदी नाम क्या हो गया परिवर्तन निदेशालय ई इससे कौन है संजय कुमार मिश्रा उसको आता है एन सी बी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसके हेड कौन है सत्यनारायण प्रधान कौन है सत्यनारायण प्रधान दोस्तों मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आप भी एक बार अपने से बोलते चलें तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी आप बोलेंगे का प्रयास कीजिए मेरे साथ मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और के बारे में बढ़ेंगे देखिए पहला है हमें एस एस बी के हेड है भी डी जी है अनिश दयाल सिंह बी एस एफ के पंकज सिंह सी आर पी एफ के एस एल थान सी आई एस एफ के श्रीवर्धन सिंह एन एस सी के एम ए गणपति एस पी जी अरुण कुमार सिन्हा आई डी आई टी बी अनिश दयाल सिंह एन एस सी पाल सिंह और इंडियन कोस्ट गार्ड बी एस पठानिया बी एस पठानिया एन डी आर एफ नानी श्रीवास्तव रेलवे सुरक्षा बल आर का संजय चंदर संजय चंदर और आसामी राइफल का प्रदीप चंद्र नायर जिल आगे बढ़ते हैं अगला हमारा प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र वह कौन होते हैं पीएम होते हैं तो उनका नाम याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके इसके उपाध्यक्ष कौन है सुमन कुमार बेरी कौन है सुमन कुमार बेरी इसके सी कौन है परमेश्वर अय्यर कौन है परमेश्वर तो अय्यर और इस और यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है डॉक्टर मनोज सोनी कौन है डॉक्टर मनोज सोनी और ऊपर बाईसवां विधि आयोग उसका कौन है ऋतुराज अवस्थी कौन है ऋतुराज अवस्थी रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन है रेखा शर्मा कौन है रेखा शर्मा और राष्ट्रीय कर्मचारी चयन का अध्यक्ष कौन है एस किशोर और सातवां वेतन है उसका अध्यक्ष कौन है अशोक कुमार माथुर कौन है अशोक कुमार थुर चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे इसमें क्या देखना है कि भारत के भी अभी लोकपाल के अध्यक्ष कौन है तो प्रदीप कुमार मोहंती कौन है प्रदीप कुमार मोहंती और पंद्रहवें विधायक अध्यक्ष कौन है एन के सिंह कौन है एन के सिंह भारतीय स्पर्धा आयोग का अध्यक्ष कौन है अशोक कुमार गुप्ता उसको क्या देखना तो है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है हर्ष चौहान कौन है हर्ष चौहान और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का तक तो कौन है विजय सांपला कौन है विजय सांपला आगे है राष्ट्रीय मान अधिकार आयोग का तक तो कौन है अरुण कुमार मिश्रा अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का तथा तो कौन है प्रियांक कानून दोस्तों देखिए जय कत करना सबसे बेहतर क्या है आप उसको बार बार पढ़िए जितना बार पढ़ेगा उतना बार आपको चीज़ें माइंड में अच्छे से रहेंगी इसलिए जय को बार बार पढ़िए ही तरीके याद करने का ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है ये रेल बोर्ड के सीओ भी कौन है बीक त्रिपाठी ठीक है और अध्यक्ष कौन है अभी माधीपुरी माधी याद रखना है सीबीडी टी है, है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उसके हेड कौन है नितिन गुप्ता कौन है नितिन गुप्ता और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का सीबीआईसी विवेक जोहरी कौन है विवेक जोहरी आगे बढ़ते हैं अगला बैठ हमारा जिससे हमारा होता है ना यू आई डी आई जो जिसे जो आधार बनाता है उसके हेड कौन है सौरभ गर्ग कौन है सौरभ गर्ग और भारत के जनगणना कौन कौन है विवेक जोशी कौन है विवेक जोशी और अध्यक्ष कौन है लोक लेखा समिति के कौन है अधीर रंजन चौधरी कौन है अधीर रंजन चौधरी आगे बढ़ते हैं अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हेड कौन है तो पहले थे अलका उध्याय वो अनुभव नहीं है कौन है तुष कुमार यादव कौन है संतोष कुमार यादव संतोष कुमार यादव आपको याद रखना है अब आइए अब कुछ महाराज कंपनी के बारे में देख सकते हैं देखिए इसमें सब कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट जैसे देखिए पहला हो गया ओ एन जी सी याद रखना है ओ एन जी सी के हेड कौन है अरुण कुमार सिंह याद रखिए उसके बाद रखिए सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन है शुभामंडल मंडल गैस का गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन है रवि कुमार गुप्ता बस इतना बहुत है और देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोलते हैं है 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 एच पी सी एल इसके हेड कौन है पुष्प कुमार जोशी कौन है पुष्प कुमार जोशी ठीक है उसके बाद यहाँ देखिए आप भारतीय पर्यटन विकास निगम के हेड कौन है शमित पात्रा चलिए आप उसे बस ध्यान से सुनना है मेरी बातों को सारी जब आपको दो तीन बार देखिएगा पूरा याद हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगला है अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष तो कौन है एम जगदीश कुमार अच्छा उसके याद रखना है कि कुलपति जे की पहली बार महिला बनी नाम के शांतिश्री धूलिपुडी पंडित धूलिपुडी पंडित उसको याद कोई श्री याद बन रखना है उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपको याद रखना है कि प्रसार भारती का सी कौन गौर है गौरव द्विवेदी याद रखना है ठीक है उसके बाद रखना है कि इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है एस सोमनाथ जो दूसरे नंबर के हैं देखना है उसके बाद रखना है कि बार के हेड कौन है अजित कुमार मोहंती कौन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के हेड कौन है अजित कुमार मोहंती और डी के हेड कौन है समीर बी का समीर वी कामत समीर वी कामत अच्छा एक और है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसको बोलते हैं सी एस आई आर इसके हेड कौन है नलाथम्बी कलाई सीवी क्या नाम है नला क्लाइस क्लाइ आगे बढ़ते हैं अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हेड कौन है आईसी के ग्रेट वर्क लिए आपको दोस्तों खेल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाए इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है देखिए चलिए इसको पढ़ते हैं अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर आई सी सी के ग्रेक बर्कले कहाँ के न्यूजीलैंड के उसके बाद याद रखना है कि आई सी सी के सी ओ कौन है जोफ एलार्डिस और आपका याद रखना है कि आगे बढ़ते हैं उसका रखना, है? है है? रखना है आपको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन है अध्यक्ष सैफ अहमद कौन है सैफ अहमद याद रखना है इसको आगे बढ़ते हैं अध्यक्ष बहुत इम्पोर्टेंट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या कौन है रोजर बिन्नी ठीक है ये देखना है उसको देखना है कि जो मुख्य कोच कौन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की रमेश पवार कौन है रमेश पुवार आपको याद रखना है दूसरा जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको वहीं बताऊंगा कि जो जो एग्जाम है प्रोवेशर में पूछा गया प्रीवियस ईयर में वही पढ़ेंगे हम लोग ठीक है हम लोग स्मार्ट सीडी करेंगे क्योंकि डाटा बहुत सारा पढ़ने के लेकिन हम लोग वहीं पढ़ने जो क्वेश्चन आते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आपको उसका ये रखना है कि अध्यक्ष हॉकी इंडिया कौन है दिलीप टर्की कौन है दिलीप टर्की देखिए अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है अधिल सुमरी आदिल सुमरीवाला और भारतीय महिला टीम का कप्तान कौन है सविता पुनिया कौन है सुविता पुनिया और कर देखिए भारतीय बैडमिंटन संघ के हेड कौन है हेमंत विश्व शर्मा कौन है हेमंत विश्व शर्मा और भारतीय भारतीय पैरालंपिक समिति के अभी हेड कौन है दीपा मलिक कौन है दीपा मलिक चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आप क्या देखना है कि आप क्या देखना है एल के हेड कौन है एम आर कुमार ठीक है बस इतना याद रखिए और इसमें मत नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे आइए यहाँ देखिए क्या रखना है अभी कौन है अध्यक्ष फिक्की के अध्यक्ष कौन है अरुण चावला आप क्या रखना है और इसके अध्यक्ष कौन है सुभरकांता पांडा और डीजी कौन है अरुण चावला देखिएगा करते हैं आपको बैंक के बारे में जैसे आर के हेड कौन है शक्तिकांत दास पच्चीसवें नंबर के ठीक है बस आपको हेड अध्यक्ष आपको यार नहीं है और भारतीय स्टेट बैंक एस बी आई के हेड कौन है दिनेश कुमार खारा कौन है नीतीश कुमार खारा और याद रखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का कौन हेड कौन है संजीव चड्ढा और बैंक ऑफ इंडिया का अर्जुन कुमार दास बस ये दो तीन बैंक इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ याद रखिए जो हमारा एक्सिस बैंक है उसके हेड कौन है अमिताभ चौधरी ठीक है और आईसीआईसीआई आई सी आई के हेड कौन है संदीप बक्सी कौन है संदीप बक्सी हेड है आगे बढ़ते हैं एक बार देखिए एच डी एफ सी के हेड कौन है श्रीधर जगदीशन कौन है श्रीधर जगदीशन है ये वाला इसको याद रखना है उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ यहाँ आपको याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख को याद रखना है जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपको अभी महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के तो एंटोनियो गुटेरेस आपको याद रखना है उसके बाद आपको याद रखना है कि संयुक्त याद रखना है आपको विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है डेविड मलपास कौन है दोस्तों डेविड मलपास आपको याद रखना, रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के भी हेड कौन है कौन है हैस्टलीना जॉर्जिया कौन है किस्टलीना जॉर्जिया आपका बुल्गारिया की है उसका अगला है विश्व व्यापार संगठन इसके एड कौन है नगोजी और कौनजू ईवेला कौन है नगोजी इंकोन्जू कोंजू इवेला दोस्तों नाम कुछ अजीब है बस आपको याद तो करना ही है क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है आपको सिलेक्शन लेना है तो फिर इतना तो कर सकते हैं ना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को बार बार देखिए आप कुछ याद हो जाएंगी अगला है कौन है ग्रिस्पेन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आप क्या करें आई एल ओ आई एल ओ अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके हेड कौन है इसके हेड कौन है गिलबर्ट होगियो टो के हैं होगो होगबो और उसके बाद यूनिसेफ हेड कौन है कैथरीन रसेल कौन है कैथरीन रसेल उसके बाद अगला वर्ड है अगला संगठन है विश्व संगठन हेड कौन है टेटोस अदेनोन कौन है टेटोस अदोनोन आगे बढ़ते हैं अगला है अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्र शे, संगठन है जैसे देखिए अब क्या देखना है इसमें क्या देखना है नाटो का नाटो के महासचिव कौन है जेंस एस्टोल्टेनबर्ग जेंस जेंस एस्टोल्टेनबर्ग चलिए ठीक है उसके बाद इसमें उतनी पढ़ नहीं है हाँ याद रखिए इंटरपोल इंटरपोल के जो अध्यक्ष कौन है अहमद नासिर अल कौन है अहमद नासिर अल ठीक है ठीक तो है अगले पेज में आते हैं इसमें देखिए कुछ विश्व की चर्चित महिलाएँ हैं उनको याद रखना है विश्व और इंडिया दोनों की है चलिए चलिए इसमें आपको पढ़ना है पहला है नलाथम्बी क्राई सेल्वी आपने अभी पढ़ा है पहले ये कौन बनी है ये सी एस आई सी एस आई आर की पहली महिला नस्क बनी है कौन नलाथम्बी क्लाई सेल्वी अगला है शुभा मंडल ये कौन है ये पहली महिला चेयरमैन है कहाँ की सेल की मतलब तो हमारा था ना स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया वहीं के तो ये उसकी चेयरमैन बनी है कौन शुभा मंडल अगला है आर्या राजेंद्रन ये देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला कौन है आर्या राजेंद्रन अगला है पहली महिला अध्यक्ष नेश की कौन बनी है रेखा एम मेनन कौन बनी है रेखा एम मेमन उसके बाद अगला है कि भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है ये बनी है आयशा अजीज क्या नाम है आयशा अजीज नाम है अगला है प्रियंका मोहिते इन्होंने क्या किया है माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली महिला कौन है प्रियंका मोहती और ये कहाँ से है ये महाराष्ट्र से है और माउंट अन्नपूर्णा को पहली बार फतेह किया है अगला है सिरिष तो शीरष बंदला कौन है याद रखना है आपला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है कौन है शीरष बांदला अगला है सृष्टि गोस्वामी ये कौन है तो एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री बनी थी ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा उनका नाम क्या था सृष्टि गोस्वामी अगला है माधीपुरी बुच ये कौन है ये सी की पहली महिला अध्यक्ष है कौन है नाम है माधीपुरी बुच अग अगला है अलका मित्तल ये कौन है दोस्तों तो जी सी की पहली महिला अध्यक्ष हैं कौन अलका मित्तल आपको याद रखना है उसके बाद शांतिश्री पंडित ये है कौन है ये जे की पहली महिला वाइस चांसलर है क्या नाम है शांतिश्री पंडित क्या नाम है शांतिश्री पंडित उसके बाद है पूजा देवी ठीक है ये कौन है प्रिया देवी तो ये है जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक ये कौन है प्रिया सूर्य दस लड़की भी बस चला रही है तो काफ़ी गर्व की बात है कि हमारी बहनें भी आजकल काफ़ी टॉप मोस्ट पोजिशन पर हैं और पूछ रही हैं काफ़ी अच्छी बात है तब क्या देखना है प्रिया देवी कौन है तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन है प्रिया देवी आगे बढ़ते हैं अगला है भावना कांत ठीक है भावना कांत जो है दोस्तों ये भारत की महिला पहली महिला लड़कू विमान पायलट कौन है भावना यादव भावना भावनाकांत कौन है, है? अगर पूछे भारत की पहली महिला लड़कू विमान पायलट कौन है भावना भावनाकांत आगे है एम वीर लक्ष्मी ये कौन है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है एम वीर लक्ष्मी कौन है एम बीरा लक्ष्मी अगला है पहली महिला डीआईजी आई जी भारतीय तटरक्षक बल मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली डीआईजी कौन है नुपुल कुल क्या नाम है नुबुल कुल श्रेष्ठ क्या नाम है नुपुल कुल श्रेष्ठ अगला है शिवांगी सिंह ये कौन है भारत की, की पहली महिला फाइटर पायलट है कौन है शिवांगी सिंह अगला है भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है ज्योति शर्मा कौन बनी है ज्योति शर्मा आप क्या रखना है अगला है शिवांगी जोशी ये कौन है ये नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है शिवांगी जोशी अभी आप आपको क्या रखना है आपको ऊपर क्या पढ़ा था ऊपर पढ़ा था भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है भावना कांत और अगर आपसे क्वेश्चन कि नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है तो शिवांगी जोशी को याद रखना है चंद्रानी मुर्मू कौन है सबसे युवा सांसद कौन है चंद्रानी मुर्मू आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगला है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला कौन है इंदु मल्होत्रा कौन है इंदु पहला इंदु मल्होत्रा बनी है याद रखना है और मिंटी अग्रवाल कौन है यु, युद्ध सेवा में मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है मिंटी अग्रवाल उसका रखना है गौरी सावंत गौरी सावंत कौन है देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव चुनाव राजदूत बनाया गया किसको गौरी सावंत को ये कौन ये है ये ट्रांसजेंडर है गौरी सावंत आपको नाम याद रखना है अगला है हीना रैसवाल तो वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है कौन हीना रैसवाल कौन बनी है हीना रैसवाल आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं याद रखना है रचित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएँ उ तो राष्ट्रीय मैंने पढ़ा था ये पूरे विश्व के इसके ऊपर नहीं हे हम इसमें ध्यान रखेंगे जैसे जॉर्जा मिलोनी ये कौन है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जॉर्जा मिलोनी उसके बाद देखना है कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है नताशा पिर कुमारी ये नहीं बनते हैं दोस्तों ये वन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हैं हमें क्या देखना है दो नंबर याद रखना है नोकोजी ओकोंजो नोगोजी ओकोंजो इवेला ये कौन है ये डब्ल्यू टी ओ की पहली महिला महानसक है कौन बनी है नोगोची कंजू इवेला अगला है शामिया सुलू हसन ठीक है ये कौन है ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है कौन है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है शामिया सुलू हसन चलिए आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड है लॉरेन हवर्ड ये कौन है तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है क्या नाम है लॉरेन हवड क्या नाम है लॉरेन हवर्ड आप क्या देखना है तो न्यूजीलैंड की पहली महिला भारतीय मूल की मंत्री बनी है वो कौन है उनका नाम क्या है उनका नाम है प्रियंका राधा कृष्णन क्या नाम है प्रियंका राधा कृष्णन अगला है नौरा अलमदी ये अब कोई बन नहीं है जोड़िए अगला है।, है काजा क्लास है काजा क्लास क्या तो उन्हें एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है काजा क्लास ठीक है कौन है काजा क्लास अगला है, है। कमला हैरिस कमला दोस्तों तो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की ये कौन है कमला हैरिस अगला है सारा गिल सारा गिल कौन है पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है कौन है सारा गिल सारा गिल नाम इनका आगे बढ़ते हैं अगला है जैस्मिन हैरिसन ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम की महिला है का नाम क्या है जैस्मिन हैरिसन तो 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 अगला है शिवमारा कास्त्रो ये कौन है तो ये पहली महिला पति बनी किस कि है किसकी होंड्रस की कहा की होंड्रस की नाम चिमारा कास्त्रो उसको पता है उर्वला डेर लेन ये कौन है ये यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है क्या नाम इनका उर्वला वान डेर लियोन ठीक है तो ये चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जिसको मैंने आपको बता दिया लगभग मैं मैंने प्रयास किया और जितने जितनी भी इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियाँ हैं या जो अपॉइंटमेंट हैं उन सबको इसमें मैंने कवर करने का प्रयास किया है और ये बिल्कुल लेटेस्ट है और एग्जाम इस क्वेश्चन बार पूछ जाते हैं ऐसा करता हैं तो आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मैं इसमें ये तो पहला सीरीज है इसके बाद ही मैंने लगातार इसके जी, 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 जी के लिए सीरीज लाऊँगा करंट अफेयर और साथ में स्टेटक जी का भी तो प्लीज़ इससे अगर आप अगर आपने चैनल पर नए हैं तो अगर आप चाहते हैं कि इसका सिलसन इंश्योर कर सकूँ जिस एम टी एस में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहिए इंजॉय कीजिए अपने अपने माँ का सपना पूरा कीजिए धन्यवाद